क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5 पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। मैंने ड्रॉ किया है, देखिए पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल है, राइट एंगल एट अ पी। पी से हमें क्या बनाना है, उन्होंने बोला है राइट एंगल आपको ड्रॉ करना है, जिसमें आपको दिया है पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी से क्यू 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, पी आर 24 सेंटीमीटर एंड पी क्यू क्यू आर। अभी ये बनानी नहीं है कि आपको 24 की ड्रॉ करेंगे, आपको इमेजिन करना है कि पी क्यू आर आपका 24 है, 10 है, तो आपको जो क्यू आर है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्यू आर क्या कहलाती है आपकी, हाइपोटेन्यूस, ये बेस रहता है, ये हाइट रहती है और हाइपोटेन्यूस होता है। इसमें लगती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें हमारी, तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है इसमें कि हाइपोटेन्यूस एच, जो आपकी हाइपोटेन्यूस है उसके संग, हाइपोटेन्यूस निकालने का होता है बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट। अब बेस प्लस हाइट तो रहता है, बेस प्लस हाइट में क्या रहता है, इसके रूट स्क्वायर होते हैं, जैसे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस में कौन सा है आपका, क्यू आर है, तो इनके भी क्या रहते हैं, स्क्वायर रहते हैं, ये स्क्वायर बेस का भी, बेस का स्क्वायर रहेगा प्लस और ये हाइट का स्क्वायर रहेगा, तो आपका हाइपोटेन्यूस इस समय क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर रहेगा प्लस इज इक्वल टू बेस, बेस आपका क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर रहेगा प्लस क्यू पी और इसका क्यू पी इसका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब क्यू आर आपको फाइंड करना है, तो पी आर आपका कितना है, पी आर आपका 24 का स्क्वायर प्लस क्यू पी आर, क्यू पी सॉरी क्यू पी हाइट कितनी है, क्यू पी, क्यू पी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपका जो क्यू आर है, जब क्यू आर का आप स्क्वायर हटाएंगे तो वो इसके ऊपर जाके क्या रूट बन जाता है, इसके ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट हो जाता है। अब क्यू आर आप 24 को ओपन करेंगे, दोनों दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 × 24 576 आ रहा है, पर ट्राई कर लेते हैं, 574 4 16 4 2 8 and 9 2 4 8 2 4 6 8 8 16 and 17 576 ही आएगा, ठीक है, 576 आया। ऐसे हमने 10 को खोला, 10 पे 100 आया, ठीक है। अब आपने दोनों को प्लस किया, आपका आया क्यू आर का आपका आया 676 आया, ये आपका आया। अब रूट से निकालने के लिए क्या होना चाहिए, इनके पेयर होना चाहिए, ठीक है, रूट से तभी बाहर निकलते हैं कि पेयर में, जैसे 25 होता है रूट के अंदर, 25 तो ये किस में होता, 5 × 5 होता, 5 × 5 = 25 रूट के अंदर, तो जब ये पेयर बन जाएंगे तो ये रूट के बाहर आ जाते हैं जब पेयर में होते हैं। ऐसे आप 6 7 6 को आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, 7 6 को आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे आपको कितने पेयर बन रहे हैं। तो अगर आपने करा 7 6 का करा आपने, तो कितना आ गया, 2 से 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 2 3 जा 6 2 8 जा 16 देन 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18, ठीक है। आप किससे कटेंगे, ये कटेंगे आपके 7 14 अब ये कटेंगे 13 से 13 1 जा 13 3 बचेंगे और यहाँ पे मेरे 13 3 जा 13 आए और ये 13 बन जाए, तो आपके क्या आएंगे इसमें रूट के अंदर, आपके क्या क्या रहेंगे इसमें, 2 × 2 × 13 × 13 ये आपके रहेंगे, ठीक है। अब देखिए पेयर बन रहे हैं, बाहर आ जाएंगे आपके ये क्यू आर, 2 बार आ गया और आपका 13 बार आ गया, तो क्यू आर आपका जो है वो क्या होता है, 13 × 2 = 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द, उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द क्यू आर, तो आपका क्यू आर कैसा है, आंसर क्यू क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट है, इसमें हाइपो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको फिलक्स में ऐसे आ जाए कि हाइपोटेन्यूस बेस प्लस हाइट, तो उसमें कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, एक फ्लक्स में भी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक चीज, जैसे हाइपोटेन्यूस लिखा, बेस ब्लैंक कर दिया जाएगा हाइट, तो आप क्या लिखेंगे, वो क्या है आपकी बेस है, ये जो थ्योरम है फिलक्स में भी आ सकती है। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो इस कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पार्ट होमवर्क में उसमें देखिएगा कि जैसे आपका रूल आपका यही लिखेगा सेकेंड पार्ट में, उसमें आपको क्या निकालनी है, उसमें शायद आपको उसमें आपको निकालना है बी सी, बी और सी, उसको आपने लेंथ निकालनी है, उसमें आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है ये,
तो अगर आपको ये निकालनी है, जिसमें सेकंड वाले में ये निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज जो बेस है वो आपका इस साइड चला जाएगा, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है। तो एच लिखा, एच है तुम्हारा आपका, बी है और प्लस ये हाइट का एच है, तो आपको जब ये फाइंड आउट करना होगा और ये आपको गिवन होंगे, ये तो एच ये साइड आएगा बी, ये माइनस करने से आपका नया रूल बन जाता है, ठीक है। और इनकी पावर तो रहेगी, तो वो पावर किस साइड चली जाएगी, इनके ऊपर चली जाएगी, जैसे इसकी पावर रहेगी, इसकी भी और इसकी भी पावर रहती है, तो ये एच की पावर जो नंबर होगा ओपन होगा, माइनस बी की पावर का जो नंबर होगा ओपन होगा, इज इक्वल टू एच, कहाँ चला जाएगा, ये अंडर रूट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन योर होमवर्क।